गाइज मैं हूँ जोधपुर राजस्थान में और कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं जाने के लिए लिफ्ट मिल जाए, तो देखते हैं कि मिलता है या नहीं, या मिलती है कि नहीं। गाइज हम लोग हिचहाइकिंग कर रहे हैं 3 किलोमीटर के लिए, लेकिन कोई जो है सो बाइक वाला रुक नहीं रहा है, तो देखता हूँ कि कोई रुकता है कि नहीं। और उस जगह पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, काफ़ी हाईवे है ये, यही मंडोर वगैरह भी जाती है ये हाईवे पर। देखता हूँ कि ये जो है सो आगे जाए कोई लेके जाता है कि नहीं। भाई साहब देखता हूँ, भैया उधर चलोगे क्या? कोई जो है सो रोकने का नाम नहीं है, तो देख रहा हूँ हिचहाइकिंग कैसा है इस जगह पे। तो चलोगे भैया ऊपर? तो देख लो यार, कोई वैसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं है या फिर समझ ही नहीं रहे, देखो क्या होता है। एक अंकल जी आ रहे हैं, चलो भाई अंकल जी ऊपर। अंकल जी भी जो है सो नहीं जाने के लिए तैयार है। आगे जाइएगा क्या? देख लो भैया, लोग देखते हैं लेकिन सिर्फ चेहरे देखते हैं, लगता है मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मैं हिच हाइकिंग नहीं कर सकता हूँ, ऐसा फील हो रहा है। तो देखो मैं जो हूँ सो जोधपुर राजस्थान में हिच हाइकिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ कोई बंदा रोक दे अगर हिच हाइकिंग को। लिफ्ट मांग रहा हूँ मैं, तो लिफ्ट जो है सो पॉसिबल है कि नहीं देखता हूँ। कोई भी जो है सो वो इधर जाने को नहीं है, ऐसा है कि सारे लोग देखो आप जा रहे हैं ज़रूर, बट लिफ्ट देने का नाम से सब पीछे जा रहे हैं। देख टेम्पो वाले ढेर सा रुकेंगे, पैसे मांगेंगे 200-300 मात्र 2 किलोमीटर के, और 2 या 3 किलोमीटर है यहाँ से, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो मैं चेक कर रहा हूँ यार कि हिच हाइकिंग के लिए कोई है या नहीं है, हम लोगों का कोई ब्लॉगर का हेल्प करता है या नहीं, कोई बंदा आ नहीं रहा है वैसा जिससे कि मैं हिच हाइकिंग का लुक उठा सकूँ। बंदा साथ में भी आ रहे हैं तो वो भी तो वो नहीं मिला, देखता हूँ कि वो आगे हो क्या। कोई भी जो है सो ऐसा कुछ नहीं है रिस्पॉन्स, लूने वाले अंकल है तो वो तो देंगे नहीं। एक साइकिल वाला भैया आ रहा है, उस पर भी नहीं मिलने वाली है। भैया इधर चलोगे? देख लो खाली चेहरे देखते हैं लोग। अरे यार जोधपुर में हिचहाइकिंग इतना मुश्किल है मुझे पता नहीं था। तो देखो अब देख सकते हो उधर जो है तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं हिचहाइकिंग के लिए। भैया आगे चलोगे? देख लो लोग चेहरे देखते हैं बस, पता नहीं क्या कारण है मुझे तो नहीं पता, हो बड़ा लगता है मेरा अच्छा नहीं है। देखता हूँ कोई तो आ जाए चले जाए, लिफ्ट देने वाले में से कोई नहीं है। गाइज मैं अभी हूँ सोचती गेट पे, और यहाँ पे स्ट्रीट फूड का कुछ इस तरह का नज़ारा है, नज़ारा नहीं कह सकते हो एक्चुअली में, ये जो स्ट्रीट फूड होते हैं ना महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही पसंद होते हैं, लड़के थोड़ा कम नज़र आएंगे आपको। गुपचुप चाट और भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये सोचती गेट जस्ट जो है सो पुलिस चौकी सोचती गेट के सामने देख पा रहे होंगे आप, इस साइड में पुलिस चौकी सोचती है और इसी साइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये सब जो स्ट्रीट फूड है वो लगी हुई है, और यहाँ पे डोसा इडली और फालूदा और ये इधर देख सकते हो स्टेक वगैरह भी मिल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे सोचती जो गेट है सोचती उस जगह पे आपको स्ट्रीट फूड बहुत सारे मिल जाएंगे, हालांकि हाइजीन का तो पता नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रीट फूड
कि अगर शौकीन हो तो इस जगह पे आ सकते हो। ये घंटा घर से बड़ा ही नज़दीक है, ज़्यादा नहीं 600-700 मीटर के आसपास होगा ये जगह।